प्रदेश सरकार ने एचपीएससी और एचएसएससी द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन व मेडिकल में दी छूट। प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का लिया निर्णय। रेवाड़ी से नव नियुक्त भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, किसानों व व्यापारियों को नहीं आने दी जाएगी कोई समस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर लोग मिट्टी से बने उत्पादों की जमकर कर रहे हैं खरीददारी। बिक्री से उत्साहित कारीगरों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। और देश भर में धूमधाम से मनाया गया असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म का प्रतीक विजयादशमी दशहरा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम की शिरकत। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप ए, बी, सी व डी के विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व वृत्त का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 3 महीनों के अंदर अंदर करना होगा। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है। उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व जीवन के बारे में सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है, इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एचपीएससी एचएसएससी द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक फेशियल सत्यापन के मिलान का कार्य प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में ये उल्लेखित होगा कि यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस स्थिति में नव नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस दिए तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। रेवाड़ी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज शहर की नई अनाज मंडी में पहुंचकर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने किसानों तथा व्यापारियों से समस्याओं को सुनकर उन उच्चाधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों व व्यापारियों के समक्ष कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी व्यापारियों ने विधायक के समक्ष फसल का उठान नहीं होने, फसल चोरी होने और दीवारें क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याएं उठाई। विधायक ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों का जल्द से जल्द समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने के निर्देशानुसार सभी विधायक प्रदेश की मंडियों में पहुंचकर खरीद व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आने वाली किसी भी समस्या को दूर करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। किसान की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी और सोमवार तक आधा उठान करा दिया जाएगा। किसानों तथा व्यापारियों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। रिपोर्टिंग सरकार को हम करें, किसी तरह की भी कोई परेशानी है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां हैं वो मेरे अधिकारियों से भी बात हुई है, कुछ अधिकारियों से भी और जो मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे सबसे बात हुई है, तो छोटी मोटी परेशानियां वो ठीक हो जाएंगी। मेन तो आज किसानों की समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं, सबको मिला के स्मूथली मंडी चल रही है, कोई किसी तरह की परेशानी है नहीं। थोड़ा उठान की दिक्कत है, सोमवार तक उसको भी हम आधा बढ़ा देंगे, तो अभी इसलिए आज कोई परेशानी है नहीं, मंडी में स्मूथली काम हो रहा है। प्रदेश भर में धान खरीद का कार्य तेजी से चल रहा है। अंबाला के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि खरीद एजेंसियां धान खरीद कार्य को तेजी के साथ पूरा करें और इसके साथ साथ धान के उठान पर भी विशेष रूप से काम करें। किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबाला जिले की 15 मंडियां व खरीद केंद्रों पर सरकारी व अन्य एजेंसियों द्वारा अब तक करीब 1,42,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। वहीं कुरुक्षेत्र के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि जिले में धान खरीद कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में जिले में कुल 10 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है व एक का लाइसेंस रद्द किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई वोकल फॉर लोकल अपील का असर इस बार भी दिख रहा है। इस बार त्योहारी सीजन में मिट्टी के दिए, बर्तन, खिलौनों और मूर्तियों की जमकर खरीदारी हो रही है। इससे मिट्टी का सामान बनाने वाले कारीगरों और दुकानदारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दिवाली से पूर्व ही लोगों में इन उत्पादों की खरीदारी को लेकर भारी उत्साह है और वे बड़े चाव से सामान खरीद रहे हैं। मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले कारीगरों रवि कुमार और उनकी माता ने कहा कि अब उनके सामान की मांग बहुत बढ़ गई है। ये प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल अपील का असर है। पहले चाइनीज माल बाजार में आने से लोग मिट्टी का सामान नाम मात्र ही खरीद रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्हीं की बदौलत हमारी कला बची है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मोदी जी के प्रचार के बाद लोगों का रुझान भी बढ़ा है और मतलब डिमांड भी बढ़ गई है इन चीजों की, जैसे दिए हो गया, होई होगी, करवे हो गए या मिट्टी का बर्तन कोई भी लगा लो, तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ी है और मतलब हम लगातार कर ही रहे हैं ये काम। अब लोगों की क्यों मतलब लोग पसंद करने लगे हैं इस चीज को, इसलिए मतलब डिमांड ज्यादा है इस चीज की। मिट्टी के बर्तन ही चालू हो गए है, मन बनानी है और पहला लेवा नहीं था कोई स्टील के लेकर दा, स्टील के में कितनी बीमारी है। मिट्टी के बर्तन का पानी पियो, सब्जी बनाओ, हर चूल्हे बनावा फिर उसमें बना, फिर ये तो रिच किते बना गैस पर बनावा, आधी बीमारी चालू होगी। इस दौरान खरीदारी करने आए एक ग्राहक ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का लोगों पर सकारात्मक असर हुआ है। लोग स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीद कर रहे हैं, इससे जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला है, वहीं विदेशी सामान की खरीद भी कम हुई है। मिट्टी के बने दिए और बर्तन शुद्ध होते हैं और हम सबको देश में बना सामान ही खरीदना चाहिए। दिवाली पे बहुत शुद्ध होते हैं और ये जलाया, पहले चाइनीज चलते थे वो अब बंद कर दिए मोदी जी ने। हाँ जी, ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं, वो चाइनीज चीज नहीं चलती, अब ये शुद्ध होते हैं, इसलिए एक तो दिया तेल का जलता है, घी का जलता है, इससे पवित्रता आती है इस चीज में दीपावली में। बाजार में मिट्टी से बने सामान बेच रहे दुकानदारों ने कहा कि वो लंबे समय से मिट्टी का सामान बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद उनका काम बहुत अच्छा हो गया है, अब उनकी दुकानों पर सामान खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने कहा कि सभी को देश में बना सामान ही खरीदना चाहिए। उसके में काम में हमारे को फर्क पड़ता था लेकिन अब नहीं है, अब मोदी ने जब से बोला है तो मिट्टी के बर्तन भी बिक रहे हैं खूब और दिए भी बहुत लेके जाते हैं, कारण हमारा काम अच्छा चला है, हमें दो रोटी मिलती है, काम अच्छा है हमारा, इसी यही काम है हमारा। मिट्टी के जो आप लेके जाते हो यही सुबह के, चाहे छोटी लीजिए चाहे बड़ी लीजिए। अब दो तीन साल से ज्यादा डिमांड होने लगी है दियो की, करवो की, जहाँ तो लोग फैंसी मान लेते हैं, हम भी तैयार डेकोरेट करते हैं, अच्छा माल बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, हमारे अच्छे सेल है पहले से, अब और गाँव के लोग भी हमसे जाते खरीद के और आगे जाकर खुद से खुद सेल करते हैं, उनकी वजह से लगा लो जैसे मर्जी लगा, लोगों को अपने द्वारा फिर इस तरफ झुक गए, लोगों द्वारा मिट्टी के चारों द्वारा फिर से आने लगे हैं, मट्टी की हांडी वगैरह मांगते, सब्जी बनाने के लिए मांगते हैं, मट्टी के सारे को मट्टी का पहले सारा मांगो। धन्यवाद कि हमारा काम चले तो अच्छी बात है, हमारा अपना खुद का रोजगार घर में रहेगा, तो कहते हमारे बने गरीब आदमियों के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के माधवदास पार्क में विजयादशमी उत्सव में शिरकत की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रामलीला के मंचन का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के किरदार निभा रहे कलाकारों की तिलक आरती की, साथ ही उन पर पुष्प न्यौछावर किए। विजयादशमी उत्सव में बुराई पर अच्छाई की विजय के संदेश के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। उधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने एक आदर्श प्रस्तुत कर सामाजिक बुराइयों का अंत कर जिस प्रकार से समाज को एकजुट रहते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया था, उसी प्रकार हम सभी को उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए सामाजिक बुराइयों का अंत कर आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि संसार को किसी ने दिशा देने का काम किया है तो वो केवल भारतीय समाज है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल पंचकुला में दशहरे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 151 फीट ऊंचे रावण का
रिमोट के जरिए दहन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये दिन बड़ा ही गर्व और गौरव का है। इस महापर्व को सभी मिलजुल कर संस्कृति और संस्कारों के साथ मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मैं कामना करता हूं कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद सब पर सदैव बना रहे और प्रदेश में आर्थिक खुशहाली तथा समृद्धि आए। आज के दिन हम अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करने का संकल्प लें, जिससे सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सके। हमारे पर्व, यह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और हम सब आपस में मिलकर के प्रेम भाव से अपने महापर्वों को मनाते हैं। यही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य की और लोगों के उच्च स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। इससे पहले श्री राम और रावण के संवाद का मंचन किया गया, जिसमें रावण और श्री राम की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ी थी और बहुत शानदार चौपाइयों से लोगों का ज्ञानवर्धन कर रही थी। माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामलीला का कई दिनों तक सुंदर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट को 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। पीजीआई चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मियों की चल रही हड़ताल को गंभीर मानते हुए निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि हम उनकी चिंताओं को समझते हैं और संस्थान के भीतर आउटसोर्स कर्मियों के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान भी मरीजों की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। पीजीआई में हड़ताल के चलते कल यानी 14 अक्टूबर को आपातकालीन, ट्रॉमा और आईसीयू सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, जबकि ओपीडी सेवाएं केवल पहले से पंजीकरण मरीजों के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक सीमित होंगी। नए मरीजों का पंजीकरण भी नहीं किया जाएगा और पहले से ऑनलाइन किया गया पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है। दिन में केयर यूनिट में निर्धारित कीमोथेरेपी योजना के अनुसार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पंजीकरण आज शाम ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर शुरू हो गया है। ये पंजीकरण 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। ये अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। इस पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के औसत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे सांस्कृतिक उत्सव में विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए यहां प्रो नाइट का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक शाम में प्रसिद्ध बैंड अधिरोह ने अपनी प्रस्तुति दी। एनआईटी के छात्र छात्राओं ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस 2024 चल रहा है एंड इस कॉन्फ्रेंस का सबसे अच्छा फायदा एक हमें ये है कि इस स्टेज पे स्टूडेंट्स के स्टेज पे हम लोगों को अपना टैलेंट बाहर निकालने का मौका मिल रहा है, मैनेजमेंट करने के लिए सीख रहे हैं, जो हमें आज के आगे की लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। एंड आज हमारा था अधिरोहा बैंड एंड डीजे नाइट। अधिरोहा बैंड वॉज अमेजिंग और ये हमारे कल्चरल इवेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपना टैलेंट यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं सभी के सामने और उसमें बहुत ही अच्छा हमारा सपोर्ट मिलता है हमें। आज के दिन हमारे यहाँ अधिरोहा बैंड आए हुए हैं और डीजे नाइट भी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने और सारा क्राउड इतना चीयर कर रहा था उनको। इट्स अ फैंटास्टिक इवेंट टुडे।
वहीं एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर बीवी रमन्ना रेड्डी ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। चार दिन तक चलने वाला ये उत्सव संगीत और नृत्य का अनूठा संगम है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं और बड़ा आनंद उठा रहे हैं। डांस और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से म्यूजिक और डांस के बिना एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ऐसे मौके मस्ती है बच्चे जो है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को फसल कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने खेतों की गतिविधियों की लगातार निगरानी करने के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्य जिलों में 26 केंद्रीय दल तैनात किए हैं। इस वर्ष 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हरियाणा में कुल 378 घटनाएं और पंजाब में धान के अवशेष जलाने की कुल 700 से ज्यादा घटनाओं की खबर मिली है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि पराली जलाने की घटना एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर पड़ता है। मंत्रालय ने कहा कि ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कावल्या त्रिविक्रम प्रणायक ने आज भिवानी के जाट भवन में राज रीफ वेटरन सोल्जर फैमिली के 10वें पूर्व सैनिक मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिक योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना की विश्व में सबसे अलग पहचान है। आज संयुक्त राष्ट्र में भारतीय सेना की कई कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अद्भुत विजय हासिल करके विश्व में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए डंका बजाया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि देश की सेना में कई यूनिट हैं, उनमें से एक यूनिट यही है जो पूर्व सैनिक मिलन समारोह का उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित कर रही है। ये एक सामाजिक सरोकार के लिए प्रेरणादायक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि यूनिट ने पूर्व सैनिक मिलन समारोह का शुभारंभ नवंबर 2012 में किया था, तब से ये उत्सव निरंतर चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में वातावरण बदल रहा है, विकसित भारत के विकास में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना का अहम योगदान है। एक दूसरे के प्रति इज्जत है और अपने साथ मिलकर जो भी काम अपनी यूनिट के लिए किया, इतने सालों में यूनिट ने जो नाम कमाया, कारगिल युद्ध के अंदर यूनिट ने जो कार्य करके दिखाया, आज वो पूरी आर्मी ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी इसकी चर्चा है। तो जिस यूनिट ने लड़ाई में, पीस टाइम में, चाहे वो लड़ाई हो, प्रशिक्षण हो, खेलकूद हो, सभी ने जो है अच्छा नाम कमाया है, उसके लिए हमें गर्व होता है और आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से काम करती रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और आप लोगों ने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, फौज में रहते रहते, यूनिट में रहते रहते, उसको कायम रखा जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वो लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को बिना समय व पैसा गंवाए केसों का समाधान किया जाता है।
लंपी वायरस से निपटने के लिए पशुपालन विभाग ने प्रदेश भर में वैक्सीन अभियान चलाया हुआ है। जींद जिले में 275 कर्मचारियों की टीम अब तक 82,060 पशुओं को बचाव के लिए वैक्सीन लगा चुकी है। वर्ष 2022 में जिले में लंपी वायरस के 600 से अधिक मामले मिले थे। इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग ने समय से पहले ही लंपी वायरस की दवा का अभियान प्रदेश भर में चलाया हुआ है। आज पशुपालन विभाग की टीम जिला मुख्यालय पर नंदीशाला में पहुंची, जहां पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक बलवंत की देखरेख में पशुओं को लंपी वायरस के से बचाव के टीके लगाए गए। इस अवसर पर डॉक्टर बलवंत ने बताया कि लंपी वायरस से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। लंपी वायरस मक्खियों व मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इससे पशुओं में तेज बुखार, गांठे बनना, भूख कम होना और दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। मारे गए थे और ये गोवंश की बीमारी खास करके, तो उस समय भी हमने सबसे पहले यहाँ नंदीशाला में ही वैक्सीन की थी इसको लंपी स्किन की, और यहाँ पशु बीमार नहीं हुए थे। उसके बाद पिछले साल पूरे हरियाणा में वैक्सीन की गई और हमारे पशु ज़्यादा बीमार नहीं हुए। अभी हमने बीमारी आने से पहले ही सरकार ने पूरी वैक्सीन की डोज भेजी हुई है और हमने पूरा जो जींद का जो एरिया है वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है। यहाँ नंदीशाला में जो हमारे पास 3,500 के आसपास जो जानवर हैं, 3,500 के आसपास, वो सभी के अंदर ये वैक्सीन लग चुकी है। वहीं पशुपालन विभाग की इस पहल की जिला वासियों ने भी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विभाग का बहुत ही बेहतर कार्य है, इससे गोवंश सुरक्षित रहेगा और वो लंपी वायरस की चपेट में भी नहीं आ पाएगा। वो लगाया जा रहा, वैक्सीन लगाई जा रही, सरकार ने ये बीमारी फैलने से पहले ही डॉक्टर भेज दिए हैं, टीके लगा रहे हैं। गोवों को आप देख सकते हो कई बीमार भी है, ठीक भी हो रही है। जो ओलंपिक्स की बीमारी है ये तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, हम इसे 2025 में खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो ये डॉक्टर आए हैं पहला एडवांस दो टीके लगा रहे हैं और बहुत ही सुंदरता तय हुए कर रहे हैं। एडवांस जो गुणमत है ये पूरा देखभाल कर रहे हैं और गौशाला सारी ठीक है जी। हरियाणा के नूह जिले में बरसाती प्याज की खेती जोर पकड़ रही है। इस प्याज की गुणवत्ता के लिए इसकी सराहना की जा रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा समेत पूरे NCR की सब्जी मंडियों में नूह जिले के प्याज की भारी मांग है। हर साल की तरह इस बार भी किसानों ने बड़े पैमाने पर प्याज की बिजाई की है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि अच्छे भाव को देखते हुए इस बार किसानों ने 17,600 एकड़ में प्याज की फसल की बिजाई की है। इस बार बीमारी भी प्याज में नहीं है। बाढ़ से प्रभावित कई राज्यों में प्याज की खेती को नुकसान हुआ है, जिससे नूह के किसानों को अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है और वे प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां बरसाती प्याज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा लगाई जाती है। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे अच्छी है और क्वांटिटी में भी ये पूरे राज्य में, प्रदेश में एक नंबर है। अभी हमारे मेवात जिले में इसकी ज़्यादातर प्याज की बुआई घंटियों से होती है और इसमें तकरीबन 100 क्विंटल एक किले में पैदावार हो जाती है और किसान भाइयों को अगर 20-25 रुपए का भी रेट मिलता है तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए उनकी आमदनी हो जाती है। कैश क्रॉप है, थोड़े दिन की है, इसके बाद किसान जो है अपना गेहूं की बिजाई भी करते हैं या टमाटर लगा लेते हैं या दूसरी जो कुकर बीट्स हैं जैसे बेल वाली सब्जियां हैं वो लगा लेते हैं। प्याज उत्पादक किसानों ने बताया कि 20 दिन बाद स्वाद से भरपूर प्याज की सब्जी मंडी में मांग बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि वे ड्रिप सिस्टम से प्याज की सिंचाई कर रहे हैं, इससे उनकी बिजली, धन, श्रम और समय की बचत हो रही है। ठीक है, अगर हमारे लिए रेट अच्छा मिल जाएगा तो कुछ मुनाफा मिल जाएगा, अगर रेट अच्छा नहीं मिला तो जमींदार तो बराबर ही है। ये प्याज भाई अपने घर का बीज बनाते हैं हम, ठीक है, दुकानदार से बीज लेकर आते हैं, घर का बनाते हैं, फिर यहाँ से ले जाकर दिल्ली या फरीदाबाद दे के आते हैं। अगर भाव हो जाता है तो कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कुछ बस अपने बैठे रहते आराम से। रेट कम से कम 50 का रेट तो कम से कम अमूमन होना चाहिए। प्याज की फसल होती है हमारे ज़्यादा और प्याज के बाद में गेहूँ की फसल होती है, तो इसके बाद खर्चा बहुत आता है जी। एक तो हमारे को फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली बहुत लंबा पड़ जाता है। कोई नज़दीक मंडी हो तो उसमें अपने किसान ट्रैक्टर में भी ले जाता है,
अब दिल्ली थोड़ी ट्रैक्टर जाएगा जी। कौन सी ये प्याज होती है? ये प्याज होती है जी बरसात के बाद प्याज लगाई जाती है। दाम कम से कम होना चाहिए इसको 50-55-60 के लगभग, जब यार आदमी का पूर्ति होता है। तो यहाँ पे हम कई सारी फसलें बोते हैं, इम्पोर्टेंट फसल हम प्याज की जो है हर साल लगभग 25-30 सालों से हम लगाते आ रहे हैं। और प्याज है जो आज की जो स्थिति है, लगभग यहाँ 200-250 एकड़ प्याज लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर सराहना व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गतिशक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। विभिन्न हितधारकों के अबाधित एकीकरण से संभार तंत्र मजबूत हुआ है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गतिशक्ति से विकसित भारत के सपने को साकार करने में गति मिल रही है और इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो देश की गति कितनी तेज हो सकती है? पीएम गतिशक्ति ऐसी ही एक योजना है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल गति दे रही है बल्कि इसे आधुनिक और अधिक सक्षम बना रही है। आज हम आपको इस क्रांतिकारी योजना की पूरी कहानी बताएंगे। भारत के तेजी से बढ़ते हुए बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा देने के लिए पीएम गतिशक्ति योजना 2021 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों जैसे सड़कों, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को एकीकृत करना और देश की कनेक्टिविटी को तेजी से सुधारना है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। 2022 और 2023 में 25,000 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा हुआ, जो भारत के सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति के तहत बन रही हैं, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का बेहतर उदाहरण है। फिलहाल लगभग 2,490 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो पूरे देश को अधिक कुशल और सुलभ परिवहन से जोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। पीएम गतिशक्ति के तहत 434 रेलवे परियोजनाओं को भी चिन्हित किया गया है, जो 3 प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े हैं और इनकी कुल लंबाई 40,900 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं में करीब 11.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जो देश की रेलवे कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व तरीके से सुधारने वाला है। 7 मुख्य स्तंभों के आधार पर इस योजना को विकसित किया गया है, जिसमें सड़क, परिवहन, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, मास ट्रांजिट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन स्तंभों के साथ देश के हर कोने को एक साथ जोड़ने का काम चल रहा है। साथ ही नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG ने हाल ही में 18 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनका उद्देश्य भारत के सड़क और राजमार्ग नेटवर्क को और मजबूत करना है। पीएम गतिशक्ति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज हो रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को मंजूरी दी है। 70,125 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत 62,500 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिनमें 25,000 गांवों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नई सड़कों पर पुलों के निर्माण का भी प्रावधान है, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इन सड़कों की योजना भी पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिसके डेटा और डिजिटल प्लानिंग के जरिए बेहतर और पारदर्शी परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स न केवल गति से पूरे हो रहे हैं, बल्कि ये भारत के लॉजिस्टिक और परिवहन नेटवर्क को दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्क्स में शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, जो न केवल माल और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बना रही है बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। पीएम गतिशक्ति केवल एक योजना नहीं है, ये एक सपना है जो भारत के हर कोने तक तेजी से पहुंचने के लिए तैयार है। अगली बार जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो या ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो याद रखें कि आपके पीछे पीएम गतिशक्ति की ही योजना काम कर रही है।
जो भारत को तेजी से विकास की ओर ले जा रही है। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।